ग्वालियर जिले में महिलाओं और युवतियों से दुष्कर्म और शारीरिक शोषण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन किसी न किसी महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना सामने आ रही है। ताजा मामला सिरोल थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवती ने युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण करने की शिकायत की है। दरअसल सिरोल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने एक युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि युवती ने शिकायत की है कि 2019 में उसकी एक युवक से पहचान हुई थी। पहचान दोस्ती में बदल गई और 2020 में दोनों की सगाई हो गई। सगाई के बाद जब युवक से शादी के लिए कहा तो टरकराता रहा और शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने कहा कि युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना सोरल के अंतर्गत एक छात्रा ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उसने 2019 में एक व्यक्ति से एक युवक से परिचय हुआ था। उसके बाद 2020 में उसकी सगाई भी हुई थी और उसके बाद उसके द्वारा मतलब शादी का प्रलोभन देकर सगाई के बाद भी उसके द्वारा शादी नहीं की गई और उसका शोषण करता रहा। तो इस आधार पर थाना सोरल में IP सेक्शन 376(2)(n) के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी क्या करता है? आरोपी भी एक किसी में जॉब करता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। तो उसकी ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।